भूत, प्रेत, आत्मा, साया, ये वे शब्द हैं जिन पर शायद बहुत से लोग विश्वास न करते हों, पर भारत में एक ऐसा स्थान है जहां ये शब्द साक्षात सच होते दिखते हैं। वह स्थान है राजस्थान में स्थित हनुमान जी का मेहदीपुर बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जिसके साथ कई चमत्कारिक घटनाओं और प्रभावों को साफ देखा जा सकता है। इस मंदिर के इन्हीं चमत्कारों के कारण ये मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज हम भी आपका परिचय इस मंदिर के कुछ रहस्यों से करवाएंगे। पहला रहस्य, प्रतिमा के नीचे बहते जल का निरंतर प्रवाह होना। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित बालाजी का ये प्रसिद्ध मंदिर दो पहाड़ियों के मध्य मनोरम स्थल पर बना हुआ है। कई वर्ष पूर्व अचानक एक बड़ी चट्टान ने बालाजी की आकृति धारण कर ली थी। उसी समय स्थापित बालाजी का ये चमत्कारिक मंदिर देश भर में अपने चमत्कारों और अद्भुत शक्तियों के कारण विख्यात है। इस प्रतिमा के नीचे हिस्से में एक कुंडी लगी है जिसमें से जल का प्रवाह निरंतर बना रहता है, अर्थात इसमें कभी भी जल समाप्त नहीं होता है। दूसरा रहस्य, बालाजी की शक्तियों का साफ प्रदर्शन। बालाजी के मंदिर को लेकर ये कथा प्रचलित है कि इसमें बालाजी की शक्तियों का साक्षात निवास है। इसके इतिहास और लोगों से सुनी इसकी पौराणिक गाथाओं से पता चलता है कि यहाँ एक ऐसी शक्ति विराजमान है जो भूत, प्रेत और आत्माओं या बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाती है। इस तथ्य को लेकर कुछ लोग इस मंदिर में जाने को अशुभ मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ शाम को आरती के समय अनेक भूत, प्रेत से पीड़ित एवं आत्माओं से वशीभूत लोगों को देखा गया है। भूत, प्रेत को मंदिर में इस तरह से खेलता देख आज भी लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है कि इस मंदिर की शक्तियों के पीछे आखिर स्वामी कौन है। तीसरा रहस्य, मंदिर में जंजीर में बंधे लोग। इस मंदिर में कई बार शाम की आरती के समय कई लोगों को जंजीर से बंधा हुआ और उल्टा लटकते भी देखा गया है। माना जाता है कि भूत, प्रेत से पीड़ित लोग यहाँ आकर इन बुरी शक्तियों से मुक्ति पा लेते हैं। इस मंदिर को लेकर एक रहस्य ये भी बना है कि यहाँ आत्मा की बुरी शक्तियों से वशीभूत लोग मूर्ति के सामने आकर रोते बिलखते हैं, अपना सर भी जोरों से पटकते हैं, पर आज तक कोई भी पीड़ित इंसान यहाँ से बिना ठीक हुए घर वापस नहीं गया है। यहाँ बिना दवा के ही भूत, प्रेत से ग्रसित व्यक्ति भगवान की कृपा से ठीक हो जाता है। अगला रहस्य, केवल प्रसाद से पीड़ितों का ठीक हो जाना। मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले बालाजी और प्रेत राज सरकार अरावली पर्वत पर साक्षात प्रकट हुए थे। इस मंदिर में तीन देवता, जिसमें बालाजी महाराज, दूसरे प्रेतराज सरकार और तीसरे देवता भैरव स्थापित हैं। यहाँ आने वाले भक्तों के द्वारा यहाँ स्थित तीन देवताओं बालाजी को लड्डू, प्रेत सरकार को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये प्रसाद बालाजी के दूत के रूप में मंदिर में उपस्थित पशु पक्षियों को खिलाया जाता है। भूत, प्रेत से पीड़ित व्यक्ति ये प्रसाद ग्रहण करता है और अपनी समस्याओं से मुक्ति पा लेता है। कुछ लोग इस मंदिर में केवल भूत, प्रेत से पीड़ित लोगों का जाना ही उचित मानते हैं, परंतु ये मान्यता गलत है। यहाँ बालाजी का साक्षात निवास है। यहाँ प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और बालाजी के चमत्कारी प्रभाव से कभी कोई बुरी शक्ति व्यक्ति को पीड़ित नहीं कर पाती है। ये थे बालाजी महाराज से जुड़े वे रहस्य जिन्हें शायद आज तक कभी कोई जान नहीं पाया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपके साथ ऐसी ही धार्मिक जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।